राजस्थान बीजेपी सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। अब इसी को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा से सवाल किया है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। अशोक गहलोत एक्स पर बोले, प्रदेश भर में भारी बारिश और इससे संबंधित दुर्घटनाओं के कारण 25 से अधिक जाने जा चुकी हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी आपदा की स्थिति में राज्य के आपदा राहत मंत्री के बारे में जनता को ये नहीं पता कि वो पद पर हैं या उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे उचित मॉनिटरिंग और राहत बचाव कार्यों के लिए निर्देश मिल सके। विकट परिस्थितियों में इसी असमंजस की स्थिति राज्य की जनता के साथ छलावे जैसा है। बताते चले, किरोड़ीलाल मीणा ने 6 जून को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि मीणा अपने पद पर बने रहें, लेकिन किरोड़ीलाल इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार कर चुके हैं। कुछ दिन पहले किरोड़ीलाल मंत्री पद छोड़ने की वजह बताते हुए बोले थे, मैंने भजनलाल सरकार में मंत्री पद को इसलिए ठोकर मार दी क्योंकि 45 साल से मैं जनसेवा कर रहा हूं और जनता ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तो अब इस भजनलाल सरकार में मंत्री पद के ठोकर इसलिए मार दी जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।